तो यार अपना देखो एक ऐसा पॉइंट आ चुका है कि मैं टी शर्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर पहनता हूँ, और उसका एक मेजर रीजन ये है कि मुझे शर्ट्स पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, और उसी वजह से मैंने इस बार अपने समर वॉर्डरोब में थोड़ी शर्ट्स और ऐड की है, एंड मैंने थोड़े से इस बार न्यू डिजाइन और न्यू पैटर्न भी यू नो इंक्लूड किए हैं जस्ट टू एक्सपेरिमेंट विद माई स्टाइल। एंड जितनी भी चीजें मैंने यहाँ आज खरीदी है दीज आर फ्रॉम शॉपसी, एंड इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन था कि क्यों मैंने शॉपसी से खरीदा है, बिकॉज वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि चीजें थोड़ी ज्यादा अफोर्डेबल होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो जितनी भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, जो भी शर्ट्स मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, दोज आर फ्रॉम शॉपसी, एंड अगर आप वो अपने लिए लेना चाहते हो तो इन सभी शर्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाय एवरीवन, दिस इज साहिल कुमार एंड आई मेक वीडियोस ऑन फैशन स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आप टाइटल में वैसे ही पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी शर्ट मैं आज आपको दिखाऊंगा वो ऑलमोस्ट 500 रुपए के आसपास है, कुछ 300 रुपए की भी, कुछ 500 रुपए की है, कुछ 600 रुपए की है। मैंने एक बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में चीजें पिक की है, एंड ऑनेस्टली मैंने इनको इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि ये अफोर्डेबल थे, मैंने सिर्फ इनको इसलिए पिक किया बिकॉज मुझे ये शर्ट्स पसंद आई। अब सस्ती थी तो मैं क्या करूँ। एंड इस बार मैंने थोड़े से क्यूबन कॉलर शर्ट्स ऐड किए क्योंकि वो मेरे वॉर्डरोब में इतने ज्यादा नहीं थे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि क्यूबन कॉलर शर्ट्स इस बार काफी ट्रेंड में है। मैंने टेक्सचर शर्ट्स थोड़ी ऐड की है, ऑलमोस्ट जितनी भी शर्ट है सब में देखो टेक्सचर तो है ही। इसके अलावा मैंने दो ऑप्शन क्रोशेट शर्ट्स में ऐड किए बिकॉज वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था इस सीजन और मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐड किया जाए। तो चलो अब आपको सारी शर्ट्स दिखाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट शर्ट व्हिच इज दिस नेवी ब्लू क्यूबन कॉलर शर्ट, जिसमें आप देख सकते हो कि ऐसे आपको टेक्सचर मिल जाएंगे। अब ये जो शर्ट है इसका प्राइस था 418 रुपीस, एंड दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड क्लब लैविश। इनफैक्ट मैंने इस ब्रांड की शायद दो या तीन शर्ट्स खरीदी है, मुझे ये ब्रांड बहुत अच्छा लगा, इनकी शर्ट्स अच्छी थी, इनके डिजाइन अच्छे थे, और जितने भी ऑप्शन इनके पास थे वो यही प्राइस रेंज में थे, 400-500। तो अगर आप समर में मतलब कोई शर्ट लेना चाहते हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड टू यू नो फिल अप योर समर वार्डरोब। इसकी जो हाफ स्लीव शर्ट्स है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, दिस पर्टिकुलर वन इज वेरी नाइस, आप इसको किसी भी समर बॉटम के साथ पहन सकते हो, लिनन पैंट, शॉर्ट्स, इवन अगर आप चीनोस पहन रहे हो उसके साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा सा रिलैक्स्ड फिट है, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्लिम फिट भी नहीं लगे, इट इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल ऑन योर बॉडी, तो समर की आउटफिट्स जैसी होनी चाहिए, दिस इज परफेक्ट इन दैट एस्पेक्ट। आते हैं हमारी सेकंड शर्ट पर, और इस बार मैंने ना ये भी कोशिश की कि मैं थोड़े पेस्टल शेड्स ऐड करूं अपने वार्डरोब में। हमेशा गर्मियों में मैं सजेस्ट करता हूं कि पेस्टल शेड्स ऐड करो, लेकिन क्या होता है यार, मैं भी न्यूट्रल्स पहनता हूं और मैं वीडियोस में भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल्स ही पहनता रहता हूं, तो इस बार मैंने थोड़े से पेस्टल शेड्स ऐड किए, इनफैक्ट मैंने इनको वियर भी किया। तो ये है हमारी सेकंड शर्ट व्हिच इज फ्रॉम द ब्रांड मेनियक, इसका प्राइस है 658 रुपीस, अ वेरी नाइस शर्ट, थोड़ी सी आपको लूज लग सकती है अगर आपका टेस्ट है, अगर आपका स्टाइल है थोड़ा सा रिलैक्स फिट पहनने का, तो ये शर्ट आपको बहुत पसंद आएगी। अगेन ये ओवरसाइज नहीं है, बहुत से लोगों को क्या होता है बहुत खुली खुली शर्ट पहनना पसंद है जो स्ट्रीट वियर वाला होता है, ये वो फैशन नहीं है, हल्का सा थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहेगा क्योंकि समर्स में मुझे भी मेरी आउटफिट थोड़ी सी रिलैक्स रखना पसंद है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है समर्स के लिए अगर आप इसको एक न्यूट्रल कलर के बॉटम के साथ पेयर करते हो, या फिर अगर मैं आपको स्पेसिफिकली एक कलर बताऊं जिसके साथ आप इसे पेयर कर सकते हो वो है व्हाइट बॉटम के साथ, ये शर्ट बहुत अच्छी लगेगी, अ वेरी नाइस ऑप्शन अगर आपके समर वार्डरोब में ये है, आई एम श्योर आपकी समर आउटफिट्स बहुत बढ़िया लगेगी। आते हैं हमारी थर्ड शर्ट पर, ये थोड़ा सा एक फन कलर है जो मैं समर में वियर करना चाहता था बहुत टाइम से, एंड इस बार मैंने ये अपने वार्डरोब में ऐड किया। अगर इस शर्ट का कलर मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा लेवेंडर जैसा है, ये है फ्रॉम द ब्रांड वोरोक्सी, और इसमें आप देख सकते हो कि ये भी टेक्सचर्ड वाली शर्ट है, इसके फैब्रिक में भी आपको टेक्सचर्स देखने मिलेंगे। इसका प्राइस था आई गेस 368 रुपीस, जो ये कलेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे अफोर्डेबल शर्ट यही है, एंड अ ब्यूटीफुल कलर टू ऐड इन योर समर वार्डरोब, स्पेशली अगर आप इसको उस तरीके से स्टाइल करोगे, थोड़ी सी समर वाइब्स वाली आउटफिट क्रिएट करोगे। यहाँ मैं आपको कुछ पिक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा लेवेंडर शर्ट आप कैसे स्टाइल कर सकते हो, ये शर्ट ट्रस्ट मी एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट पीस होगा आपकी पूरी आउटफिट का, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू मेक यू स्टैंड आउट। बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसे कलर्स वियर करते हैं, एंड समर इज द टाइम व्हेन यू शुड वियर सच कलर्स। आते हैं हमारी नेक्स्ट शर्ट पर व्हिच इज अ क्रोशेट शर्ट, ऐसा नहीं है कि मुझे क्रोशेट शर्ट पसंद नहीं है, बट कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसमें यू नो आपका स्किन बहुत ज्यादा विजिबल होता है, तो मैंने वो चीज ध्यान में रखते हुए शर्ट्स लिए, दीज आर फ्रॉम अगेन क्लब लैविश, ये दो शर्ट्स मैंने लिए, वन इज दिस ग्रीन एंड वन इज इन ब्लू। तो पहले ग्रीन वाले की बात करता हूँ, ये मैं एक आध बार स्टाइल कर चुका हूँ और ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छी लगी, हालांकि अगर मैं नीचे वेस्ट वियर कर रहा हूँ तो वैसे स्टाइल करना पसंद कर रहा हूँ, जैसे अभी मैंने एक शर्ट के नीचे वेस्ट वियर कर रखी है तो इनको भी मैं वैसे स्टाइल करता हूँ, बट आप ये शर्ट ऐसे भी वियर कर सकते हो, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू लुक गुड। बहुत ही बढ़िया कैजुअल शर्ट है, ब्रीथेबल ऑप्शन भी रहता है क्योंकि भाई इसमें देखो आपको बहुत अच्छे खासे होल्स मिलेंगे तो ठंडी भी रखती है आपको। अगली शर्ट जो है ये भी क्रोशे शर्ट है, दिस वन इज अ ब्लू कलर, इसमें जो आपको पैटर्न देखने मिलेगा इससे डिफरेंट है, एंड इट हैज व्हाइट
डिटेलिंग, ये भी शायद 500 रुपए के आसपास होगी। 469 रुपीस की है ये शर्ट। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, दिस शर्ट इज ऑल्सो फॉर 469 रुपीस। तो ये दोनों ही शर्ट बहुत ही अफोर्डेबल है, 500 रुपए की भी नहीं है, उससे नीचे ही है। आई एम श्योर अगर आप ये अपने वार्डरोब में ऐड करोगे इन द समर सीजन, दीज शर्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी नाइस ऑप्शंस। जो एक होता है ना कैजुअल वार्डरोब समर का, अगर आप इसको कार्गोस के साथ पहनोगे, चीनोस के साथ पहनोगे, लिनन पैंट्स के साथ पहन रहे हो, एंड आई थिंक आप इनको शॉर्ट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। तो ये शर्ट बहुत ही वर्सेटाइल रहेगी फॉर योर कैजुअल वार्डरोब। एंड ऑनेस्टली दिस इज व्हाट आई फील कि अगर आप एक बेसिक टी शर्ट पहन रहे हो, ओवरसाइज टी शर्ट पहन रहे हो या कुछ भी ग्राफिक टी शर्ट पहन रहे हो, उनसे बहुत बेटर ऑप्शन है कि आप शर्ट्स वेयर करो। शर्ट्स बहुत ज्यादा डिसेंट, बहुत ज्यादा मेच्योर, बहुत ज्यादा क्लासी लगती है एज कम्पेयर टू एनी रेगुलर टी शर्ट्स। एंड अगेन मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि जितनी भी ये शर्ट्स मैंने लिए, दीज आर फ्रॉम शॉपसी। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट शर्ट की, विच इज द लास्ट ऑन द लिस्ट एंड आई एम वेयरिंग इट राइट नाउ। दिस शर्ट इज फ्रॉम द ब्रांड स्निच। स्निच की ये शर्ट मुझे बहुत लंबे टाइम से पसंद थी। मेरे हिसाब से मैंने ये पहले 2-3 महीने पहले देखी थी, तब से मैंने सोचा कि मैं ये लेना चाहता हूँ, और इस बार मैंने शॉपसी से ये शर्ट खरीद ली। मुझे इसका कलर बहुत ज्यादा पसंद आया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको कोई भी न्यूट्रल कलर के साथ पेयर करूंगा तो अच्छी लगेगी। अभी मैंने इसको ब्लैक के साथ वेयर किया है, नीचे व्हाइट वेयर किया, तो इट्स अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। हालांकि ये बहुत ही नॉर्मल शर्ट है, सिर्फ इसमें टेक्सचर से और फैब्रिक का डिफरेंस है। शर्ट थोड़ी स्ट्रेचेबल है, आपको इसके फैब्रिक में एक टेक्सचर देखने मिल जाएगा, लेकिन द शर्ट इज क्वाइट नॉर्मल है। ये कोई अलग डिजाइन नहीं है, सिंपल कैजुअल शर्ट जैसे होती है, बस मैंने स्लीव रोल्स करके पहनी हुई है। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है इट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन अगर आप अपने वार्डरोब में एक कैजुअल शर्ट ऐड करना चाहते हो, विच इज गोइंग टू बी वर्सेटाइल, और आप उसको अलग अलग बॉटम्स के साथ पहन पाओ, अलग अलग कलर्स के साथ। ये एक ऐसी शर्ट है जो ऑलमोस्ट हर एक कलर के बॉटम के साथ अच्छी लगेगी। एंड पर्सनली आई फील इसका फिट परफेक्ट टू माई टेस्ट, स्लिम फिट जैसा होता है, तो इसलिए भी मुझे ये शर्ट पसंद आई। एंड दिस वन इज फ्रॉम स्निच और इसका प्राइस था 930 रुपीस। एंड दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट एक्सपेंसिव शर्ट ऑफ दिस कलेक्शन, बट इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट अगर आप इतना खर्च कर सकते हो एक अच्छी शर्ट के लिए। दिस शर्ट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्विक लिटिल वीडियो। ये थी वो सारी शर्ट्स जो मैंने अपने समर वार्डरोब में ऐड की है फ्रॉम शॉपसी। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो ब्रांड था क्लब लैविश, आप इसके और कलेक्शन देख सकते हो शॉपसी पर। मैं लिंक नीचे दे दूंगा कि और भी शर्ट्स जहां से आप देख सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको एक और जो ब्रांड सजेस्ट करूंगा वो ये है कि आप एक बार स्निच का भी कलेक्शन देखो जो उन्होंने स्पेसिफिकली समर्स के लिए निकाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन है एंड बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और यार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी शर्ट अपने लिए लेनी है, कोई भी शर्ट आपको पसंद आई, तो उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शॉपसी से मैंने ये सब खरीदी है एंड ऑनेस्टली वहां पर बहुत अफोर्डेबल ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप जाओ एक बार देखो। ये शर्ट्स नहीं देखनी, आप कुछ और भी देख सकते हो एंड आई एम श्योर आपको वहां अच्छे प्राइसेस मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। ऑल्सो वॉच माई प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बना रखी है। मैंने ओल्ड मनी स्टाइल पर वीडियो बना रखी है, समर पर भी वीडियो बना रखी है, समर फैशन पर, तो ये वीडियोस आप देख सकते हो। आई एम श्योर यू गोना लव देम। That's all for this video. I'll see you with a new one. Till then, stay tuned. See you soon.